हेलो स्टूडेंट, दिस इज अवर सेकंड पार्ट ऑफ द लेसन द स्पेशल प्राइज। हु आस्क्ड यू टू राइड ऑन ऑक्स एन ऑक्स ड्यूरिंग स्कूल आवर्स अगेन तपन वाज पुनिश्ड। तुमसे किसने कहा था कि तुम स्कूल टाइम में बैल की सवारी करो और तपन को दोबारा पनिशमेंट दिया गया। हिज क्लासमेट्स अगेन स्निगर्ड एंड रिडिक्यूल्ड हिम। उसके मित्रों ने दोबारा उसकी हंसी उड़ाई और उसका मजाक बनाया। ही वॉज ब्रांडेड एज द बैड बॉय ऑफ द स्कूल। उसे स्कूल के बुरे बच्चों का ब्रांड बना दिया गया। सून आफ्टरवर्ड ए नोटिस वॉज सर्कुलेटेड इन द स्कूल। कुछ देर बाद ही स्कूल में एक नोटिस निकाला गया। इट रीड, उसमें लिखा था, तपन ऑफ क्लास फिफ्थ हैज़ बीन पनिश्ड फॉर राइडिंग एन ऑक्स इन टू क्लास सेवन्थ एंड अपसेटिंग द टीचर एंड स्टूडेंट्स, ऑल्सो फॉर कॉजिंग ब्रेकेज ऑफ ग्लास पेन्स। ही हैज़ बीन फर्दर फाइन ₹25 टू पे फॉर द डैमेज। उस नोटिस में लिखा था कि तपन जो कि पाँचवीं क्लास का बच्चा है, उसने स्कूल के समय के दौरान सातवीं क्लास में बैल को लेकर गया राइडिंग चलाते हुए, और टीचर और बच्चों को उसने परेशान किया और उसने स्कूल की संपत्ति का नुकसान किया, जिस वजह से उसे ₹25 का दंड दिया जाता है। द नोटिस कंक्लूडेड दैट तपन वुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल इफ ही कमेंटेड एनी सच ऑफेंस इन फ्यूचर। और तपन को ये सख्त हिदायत दी गई कि उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा यदि उसने दोबारा कोई ऐसी हरकत करी तो। ऑन द सेम इवनिंग द हेडमास्टर हैड रिटर्न होम हैड हिज टी एंड वाज टेकिंग स्ट्रोल। उसी शाम को हेडमास्टर स्कूल से घर आए। उन्होंने अपनी चाय पी और थोड़ी देर बाहर घूमने के लिए निकल गए। दिस वाज हिज डेली रूटीन, यह उसका रोज का कार्य था। डस्क वाज फॉलिंग एज ही वाज ऑन हिज वे बैक व्हेन ही सॉ द स्कूल बैड बॉयज। शाम का धुंधलका हो चुका था जब रास्ते से वापस आ रहा था। उसने देखा कि स्कूल का बुरा बच्चा यानी कि तपन रास्ते में आए। तपन वाज होल्डिंग एन ओल्ड बैगर्स वुमेन्स हैंड। तपन ने एक बूढ़ी भिखारन का हाथ पकड़ रखा था। वाइल ऑन हिज हैड ही कैरीड हर बैगिंग बास्केट, जबकि उसके सिर के ऊपर उसकी भीख मांगने वाली टोकरी थी। वॉकिंग अलोंग साइड जेयरिंग एट हिम वर टू बॉयज ऑफ हिज क्लास, नरेन द वन हु केम फर्स्ट एंड महेश। उसका मजाक उड़ाते हुए देखते हुए उसकी साइड में दो बच्चे चल रहे थे, एक नरेन और दूसरा महेश जो कि आगे पीछे आ रहे थे। द ओल्ड वुमन हैड फेवर, बूढ़ी औरत को बुखार था। इट हैड कम ऑन हर ड्यूरिंग हर बैगिंग राउंड, वह अपनी भीख मांगते हुए आ रही थी। शी कुड हार्डली वॉक, लीव अलोन कैरी हर बास्केट। वह मुश्किल से चल पा रही थी और वह बड़ी मुश्किल से उसने अपनी जो टोकरी थी वो छोड़ दी थी। ऑन सीइंग द प्लाइट ऑफ द ओल्ड वुमेन, तपन हैड लाइक्ड हर बास्केट ऑन हिज हैड एंड टेकिंग द ओल्ड वुमेन्स हैंड सैड। उसकी दशा देखकर तपन ने उसको ऊपर दया आ गई और उसकी जो बास्केट थी वो अपने सर पे ले ली और उसका हाथ पकड़कर कहा, ग्रानी होल्ड ऑन टू मी, दादी माँ आप मुझे पकड़िए, आई विल वॉक यू होम, मैं आपको घर छोड़ के आऊँ। वाइल नरेन एंड महेश सॉ द हेडमास्टर दे शेल्टर्ड हिम एंड लुक्ड एट तपन विद ए डिजायरिंग स्माइल। जब नरेन और महेश ने हेडमास्टर को देखा तो उन्होंने उसको नमस्ते किया, सल्यूट किया और तपन की तरफ उन्होंने एक मजाक की हंसी से देखा। उसका मजाक उड़ाते उसकी तरफ मुस्कुराए। प्लीज दैट द हेडमास्टर वॉज हिमसेल्फ विटनेस वन ऑफ द तपन्स मिसडीड। और ये सोचकर खुश हो रहे थे कि जो उसने हेडमास्टर को नमस्ते नहीं की उसको हेडमास्टर खुद देख रहा है। व्हेन द हेडमास्टर क्वेश्चन द ओल्ड वुमेन, शी टोल्ड हिम हाउ तपन हैड कम फॉरवर्ड टू हेल्प हर। जब हेडमास्टर ने बूढ़ी औरत से सवाल किया तो उसने बताया कि तपन ने कैसे आ गया और उसकी सहायता की। हर वॉइस वॉज ट्रेवलिंग, उसकी आवाज़ कांप रही थी। शी पॉइंटेड टू तपन एंड सेड, तपन की तरफ उसने इशारा किया और कहा, हैड दिस डियर बॉय नॉट बीन देयर आई वुड स्टिल हैव बीन लाइंग ऑन द रोड। यदि यह बच्चा आया नहीं होता तो मैं सड़क पर पड़ी मिलती। मे गॉड शोवर हिम विद ब्लेसिंग्स, भगवान इसके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। द अदर टू बॉयज देयर ऑल्सो सा हाउ विल आई वॉज बट फार फ्रॉम लीडिंग ए हैंड दे हैव बीन मेकिंग फन ऑफ दिस डियर बॉय। बाकी दूसरे लड़के भी वहीं खड़े थे, उन्होंने उसकी मदद करने के बजाय इसका मजाक उड़ा रहे थे। हाउ हार्टलेस दे आर, वे कितने निर्दयी थे। द ओल्ड वुमेन बिगन पॉन्टिंग फॉर ब्रीथ, और जो बूढ़ी औरत हाँफने लग गई। द हेडमास्टर कॉल्ड नरेन एंड महेश एंड सेंड देम अवे। हेडमास्टर ने नरेन और महेश को धमकाया और वहाँ से भेज दिया। ही आस्क्ड तपन टू टेक द ओल्ड वुमेन टू हर होम, उन्होंने तपन से कहा कि वह इस बूढ़ी औरत को उसके घर छोड़ करके आए। टू वीक लेटर द हेडमास्टर वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम हिज वॉक। दो हफ्ता बाद हेडमास्टर अपनी शाम की वाक से घर आ रहे थे। ऑन द रोड ही सॉ द ऑक्स लाइंग विद ए लेग ब्रोकन एंड नीलिंग बिसाइड इट वाज तपन रबिंग सम मेडिसिन ऑन इट्स इंजर्ड लेग एंड बैंडेज इट। उन्होंने देखा कि तपन जो है एक बैग जो है सॉरी
एक जो ऑक्स यानी बैल जो है रोड के किनारे पड़ा हुआ है, उसकी टांग टूट गई है। तपन उसके ऊपर दवाई लगा रहा है और पट्टी बांध रहा है और उसको रगड़ रहा है। देयर वर टीयर्स इन तपन साइज, तपन की आंखों में आंसू थे। ही वॉज स्टार्टल्ड वैन द हेडमास्टर केम एंड स्टोर्ड नियर हम, वह कांपने लग गया, घबरा गया जब हेडमास्टर उसके नजदीक आया और उसके नजदीक आके खड़ा हो गया। ही सेल्यूटेड द हेडमास्टर विद फोल्डेड हैंड्स, उसने हाथ जोड़कर हेडमास्टर को नमस्ते किया। द हेडमास्टर आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग हेयर तपन, हेडमास्टर ने पूछा तपन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सर सम वीक बॉयज वर हैव ब्रोकन द ऑक्स लेग्स, सर कुछ घटिया लड़कों ने इस बैल की टांग तोड़ दी। इट इज इन ग्रेट पेन, यह बहुत कष्ट में है। सर इट इज नॉट रॉन्ग टू हर्ट हम डम एनिमल्स, तपन आस्क्ड सैडली, तपन ने उदासीपूर्ण कहा कि क्या ये दुख की बात नहीं है, बड़ी गलत बात है किसी गूंगे जानवर को इस तरह मारा जाए, चोट पहुंचाए। डिड नॉट यू राइड दिस ऑक्स, दिस सेम ऑक्स द अदर डे सेइंग दैट इट वॉज वीक्ड एंड नीडेड टू बी टेम्ड, हाउ हैज इट बिकम सो गुड इन योर आइज टूडे, कुछ दिन पहले तुमने भी इस बैल के ऊपर सवारी की थी, तुम भी इसे पालतू बनाना चाहते थे, वो क्या गलत बात नहीं थी, क्या यह आज तुम्हारी नज़र में ठीक हो गया, उस दिन तुम सही थे और आज तुम उनको गलत बता रहे हो। वेल सर इट वॉज वेरी वीक, सर ये बहुत बुरी बात थी,